दिया तले अंधेरा। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ किया दार के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों ने। दार जिला निर्वाचन कार्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट सभागृह पर लगा शिलान्यास कर रहा है आचार संहिता का उल्लंघन। इतना ही नहीं, दार के सरकारी दफ्तर भी आचार संहिता का उल्लंघन करने में पीछे नहीं है। अधिकारियों की टेबल से ही नहीं हटे नेताओं के विज्ञापन। न्यूज एक्सप्रेस की टीम के देखने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने ही आनंद फानंद में हटाए नेताओं के विज्ञापन। 2018 चुनाव के आचार संहिता के लगते ही दार जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सिंह और धार जिले के अधिकारियों की शक्ति लगता है सिर्फ निर्वाचन की मीटिंगों में ही नजर आई है। वहीं जब हमारी टीम जमीनी स्तर पर आचार संहिता की शक्ति जानने के लिए दार जिला मुख्यालय पर हड़ताल करने पहुंची तो पड़ताल में जिला निर्वाचन कार्यालय से चंद दूरी पर बने कलेक्टर सभागृह के बाहरी लगा शिलान्यास चीख चीख कर आचार संहिता का उल्लंघन करता दिखाई दिया। आपको बता दें कि सभागृह में दार निर्वाचन अधिकारियों का दिन भर जमावड़ा रहता है, इसके बावजूद किसी भी जिम्मेदार ने से ढकना उचित नहीं समझा। टीम द्वारा एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों में पड़ताल की तो सरकारी दफ्तरों में ही आचार संहिता का उल्लंघन नजर आया। दार कलेक्टर परिसर में लगने वाले आचार संहिता का उल्लंघन नजर आया। दार कलेक्टर परिसर में लगने वाले सहायक संचालक मत्स्य उद्योग और सहायक संचालक कृषि विभाग में अधिकारियों की टेबलों पर नेताओं के विज्ञापन लगे पोस्टर नजर आए, जिनकी वीडियो बनाने के बाद आनंद फानंद में कर्मचारियों द्वारा टेबलों से विज्ञापन हटाए गए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने में जब सरकारी दफ्तर ही शामिल है तो किस प्रकार जिले में इसका पालन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं जब उप निर्वाचन अधिकारी से जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यदि ऐसा उल्लंघन जहां भी होगा तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सर, आचार संहिता लगे वो लगभग 6 दिन से ऊपर हो गए हैं और आपके विभाग में अभी भी टेबलों पर नेताओं के फोटो चस्पा थे और आपके सामने अभी हटाए गए हैं, क्या कहेंगे? हम जो है 6 तारीख से ही पूरे कैलेंडर वगैरह जो थे, जो अनुचित चीज़ें थी, जो आचार संहिता के उल्लंघन में मानी जाती है, वो तो सारे हटवा दिए गए। अब वो एक्चुअल के टेबल के नीचे जो रखा हुआ था। सर, टेबल पर कांच के नीचे ही नेता चस्पा थे जो कि आपने भी देखा, आपके सामने अभी हटाए हैं, और मीडिया जब बताएगा उसके बाद में यदि आप हटाएंगे तो क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहलाएगा? हम बता रहे हैं ना आपको, जो 6 तारीख को ही हमने निकलवा दिए थे, अब वो टेबल के नीचे जो है ऊपर कैलेंडर रखा हुआ था, उसके बिल्कुल हटा दिया। आपका नाम और पद बता दें। एस के बर्मन, सहायक मजदूर। जो हटाया नहीं जा सकता उसको या तो उसको कलर कर दिया जाए, नहीं और कलर करने से अगर नहीं तो उसको ढक करके जो है। सर, कहीं पर ऐसी यदि किसी ने इसको ढका ना जाए और उसे ओपन ही छोड़ दिया जाए, उस पर क्या कार्रवाई बनेगी? वो तो सीधे से जो है फिर उस पर कार्रवाई होगी, उसमें वो विभाग के लोगों को जो है मीटिंग लेकर के जो है निर्देशित कर दिया गया है, और इसमें आदर्श आचरण संहिता के प्रति सभी विभाग के अधिकारियों को प्रेरित कर दिया। तो सर, कई बार क्या होता है कि विभाग में जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है और जब संबंधित विभाग के अधिकारी को बोला जाता है तो वो कहता है चलिए मैं हटा देता हूँ, तो क्या पहले से नहीं हटा सकते? उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई? हमने निर्देश दे दिए हैं और सबको हटाना है और लगभग लगभग हट जाना चाहिए, कोई भी खाली नहीं। आचार संहिता लगने के काफ़ी दिनों बाद अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या कार्रवाई होगी? FIR होगी।